प्याज का सूखा वाला अचार, उसके लिए कुछ प्याज लिए हमने, उसको कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है। और उसके बाद राई, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया और उसके लिए हमें सरसों का तेल चाहिए। और हमने कढ़ाई में 2 गिलास पानी लिया है, उबलता हुआ है, और इसमें हम ये अभी ऐड करेंगे ये वाले कटे हुए प्याज, पूरे ऐड करने हैं इसमें। जैसे ही इसमें 2 उबाल आ जाए उसके बाद हमें गैस को बंद कर देना है। देखिए अभी उबाल आना शुरू हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसमें उबाल आ चुका है, अभी हम गैस को कर देंगे बंद। नेक्स्ट अभी हमें इसका पूरा पानी निकाल देना है, कोई भी छन्नी ले सकते हो आप, पूरा इसमें डाल देना है। जैसे कि आप जानते हो इसका पूरा अभी पानी निकल गया है, और हमें ऐसे ही एक छन्नी में लेके एक बाउल में 3 घंटे के लिए पैन के नीचे रख देना है। नेक्स्ट अभी आप देख सकते हैं ये अभी बहुत अच्छे से सूख गए हैं, जो हमने 3 घंटे के लिए पैन के नीचे रखा था, अभी इसको हम बाउल में डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें 3 चम्मच जो हमने राई ली थी उसको हमने थोड़ा ग्राइंड कर लिया है, 3 चम्मच राई लेंगे, 2, 3। नेक्स्ट नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्ची 1 चम्मच। ये जो साबुत धनिया रहता है वो है, इसमें हम डालेंगे पूरे 2 चम्मच। इसके बाद हम इसमें जो सरसों का तेल रहता है वो इसमें ऐड करेंगे। अभी इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से अभी हमें इसे मिक्स कर देना है, पूरा अच्छे से होना चाहिए, इसको मसाले लग जाने चाहिए पूरे प्याज को। देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है ये अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। ये अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, और इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे, ताकि ये 1 महीना या 2 महीना रखा जाए बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। 2 स्पून इसमें डाल देंगे हम विनेगर। अगर आप विनेगर डालेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अभी अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, और उसके बाद हमें एक जार में रख देना है। 3-4 दिन के बाद ये अच्छे से रेडी हो जाएगा। अभी हम इसको जार में डालेंगे, अच्छे से इसको अभी मिक्स करके जार में डाल देना है, और ये 3 दिन के बाद अच्छे से रेडी हो जाएगा। अगर आपको चाहिए हो जितनी क्वांटिटी में वो खा सकते हो। इसमें कभी हाथ नहीं टच करना, चम्मच से लेना, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। अभी ये हमने जार में डाल दिया है, और इसको अभी हम ढक्कन लगा देंगे। रोज़ इसको 1 बार ऐसे हिलाते रहना है, और 3 दिन के बाद ये रेडी हो जाएगा। आप ट्राई करके दीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू।